गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण एक बार फिर से रेलवे के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण कई ट्रेनों का संचालन गड़बड़ा गया है। दरअसल गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर स्टेशन के आसपास ट्रैक पर से की गई है और यह इलाका कोटा मंडल के अधीन आता है। यह दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है और इससे दिल्ली मुंबई रेलवे रूट पूरी तरह से बाधित हो गया है। फिलहाल इस रूट पर कोटा से गुजरने वाली लगभग 22 ट्रेनें डाइवर्ट की गई है और रद्द की गई है। कोटा रेल मंडल के DRM यूसी जोशी ने बताया, गुर्जर आंदोलन के चलते ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है और कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है और आगामी सिचुएशन जैसे सामने आएगी उसके अनुरूप ही रेलवे संशोधित व्यवस्था करेगा। गुर्जर आंदोलन के चलते हुए हमारा एक सेक्शन है मलारना निमोदा, उसके बीच में कुछ आंदोलनकारी वहाँ पर अभी हैं और हम सवाई माधोपुर से गंगापुर की तरफ उस डायरेक्शन की ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं। इसमें कुछ ट्रेनें अभी अफेक्टेड हुई हैं, उसका हम लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेट रूट से निकाल सकते हैं उसको। ये प्लानिंग में दूसरी रेलवे भी इन्वॉल्व होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करके इसको तुरंत ही इन ट्रेनों को निकालें। और चूँकि ये बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है, एक नज़र हम लोग वहाँ पर भी रखे हैं कि वहाँ कैसी स्थिति चेंज होती है, यदि ये लंबा चलता है तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग का हमने बना रखा है, तो ये कंटिन्यूस रहेगा काम हम लोगों का। फिलहाल अभी एक आधी ट्रेनें हैं जो कि हम लोग